हेलो एवरीवन, आज को ब्लॉग शूट करने के लिए हम आ चुके हैं वॉल्सवैगन सिकंदराबाद पे। हैदराबाद का काफ़ी बढ़िया वॉल्सवैगन सिकंदराबाद का ब्रांच है ये। आप में से जो कोई भी कार वॉल्सवैगन की कार लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चलिए अंदर चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। इस वीडियो में हम देखेंगे पोर्चुगीज एसयूवी जिसका नाम है टी रॉक। 2017 में लॉन्च हुई थी और आज 2020 का फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल टीएसआई में अवेलेबल है ये कार, जिसकी कीमत है ऑन रोड 24 लाख रुपीज़। प्रोग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज है टी रॉक की। वॉल्सवैगन टी रॉक कन्वर्टेबल भी आता है, लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यूरोप से फुल्ली इंपोर्टेड सीबीयू मॉडल बिक रहा है इंडिया में टी रॉक का, इसलिए ये कार थोड़ी सी महंगी है। वॉल्सवैगन टिगुआन और टी क्रॉस के बीच में आती है टी रॉक। टी रॉक का सिर्फ कॉन्सेप्ट आया था, लोग इसे काफ़ी पसंद करने लगे थे, तो वॉल्सवैगन ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया टी रॉक का। हीट इंसुलेटेड विंडशील्ड है इस कार में। फुल्ली इंपोर्टेड सीबीयू मॉडल आप देख रहे हैं। और ये है फॉग लैम्प कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। एलईडी इंडिकेटर भी आता है यहाँ पर। फ्रंट सेंसर, ग्रिल वॉल्सवैगन का लोगो है यहाँ पर। और ये है एलईडी ऑटोमेटिक हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल और रेंज एडजस्टमेंट के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी है। सनरूफ और डाइवर्सिटी एंटेना भी है। क्वालिटी और रिलायबल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। रूफ रेल्स है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। साइड व्यू मिरर्स है। हीटिंग और टर्न इंडिकेटर के साथ। 4.2 मीटर की लेंथ है टी रॉक की। 1.5 मीटर हाइट है और 5.5 मीटर टर्निंग रेडियस है। यह है डायमंड कट एलॉय व्हील। 18 और 19 इंच के एलॉय व्हील का भी ऑप्शन है। यह है 17 इंच का। पीछे हमें देखने को मिलेगी कूपे स्टाइल रूफ। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। ये आप येलो कलर देख रहे हैं। वाइट, ऑरेंज, ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। पोर्चुगल और चाइना में असेंबली होती है टी रॉक की। ऑल व्हील ड्राइव, मैनुअल ट्रांसमिशन और डीजल में भी अवेलेबल है टी रॉक, लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। 296 हॉर्स पावर 2000 cc पेट्रोल इंजन आर वेरियंट में टी रॉक आती है, लेकिन वो भी इंडिया नहीं लाया गया है अभी तक। वॉल्सवैगन ग्रुप के MQB प्लेटफॉर्म पर बनी है टी रॉक, जिस पर टिगुआन, पसाट, ऑडी A3, स्कोडा सुपर्ब, कोडियाक और ऑक्टेविया भी बने हैं। ये है रेयर सेंसर्स। यहाँ पर एक डाउन एग्जॉस्ट टेल पाइप है। यहाँ पर ये है एलईडी टेल लैम्प। टी रॉक की बैजिंग, वॉल्सवैगन का लोगो, रेयर वाइपर और स्पॉइलर भी है यहाँ पर। स्टॉप लैम्प है। जनरेटिव ब्रेकिंग है, जिसमें ब्रेक दबाते ही एनर्जी बैटरी में सेव हो जाएगी, हेक्टर प्लस और कई दूसरे मॉडल्स की तरह। सेफ्टी के लिए यूरो एनकैप ने 5 में से 5 स्टार दिए हैं टी रॉक को। और ये है पेट्रोल लिड। यहाँ पर पेट्रोल भरेंगे, इसे बंद करना होगा। आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलेगा। और पीछे शॉक एब्जॉर्बर और सेपरेट स्प्रिंग के साथ ट्विस्ट बीम एक्सल मिलेंगे।
चार साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी वॉल्सवैगन देती है टी रॉक पे, 4 साल का रोड साइड असिस्टेंट और 3 कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिलेंगे टी रॉक के साथ, 12 ईयर्स की एंटी प्रिपरेशन और 6 ईयर की पेंट वारंटी भी मिलेगी आप लोग को। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और हिल स्टार्ट असिस्ट है, लॉकेबल व्हील बोल्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलाइजर, आगे पीछे पार्क डिस्टेंस, ऑटो होल्ड, रेयर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। चलिए बूट खोलकर देखते हैं। बूट इस तरीके से खुले जाती है वॉल्सवैगन के लोगों को अंदर ढकलने पर। यहाँ पर आपको मिलेगी 445 लीटर्स का बूट स्पेस। साइड में है लैंप प्लेसमेंट, यहाँ पर है फर्स्ट एड किट, यहाँ नीचे है 16 इंच का स्पेयर व्हील टूल किट के साथ में। बूट को हमें मैन्युअली बंद करना पड़ेगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं आएगा टी रॉक में। टी रॉक के बूट को हम पैर घुमाकर बंद नहीं कर सकेंगे। काफ़ी वजन है ये बूट। आइए पैसेंजर डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे 6 स्पीकर, यहाँ पर है विंडो, अप एंड डाउन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बटन, यहाँ नीचे है बॉटल होल्डर, बॉटल होल्डर के लिए काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है, और ये आप देख रहे हैं पीछे के रियर सीट्स। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर हमें मिलेगा आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर के साथ में। पीछे की साइड पे है 3 हेडरेस्ट, यहाँ से भी हम बूट में एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी बूट एक्सेस हो पाएगा। चलिए बैठकर देखते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लेग रूम मिलेगी, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, हेड रूम भी बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। ऊपर रूफ सारा ही इंसुलेटेड है। यहाँ पर है LED लाइट प्लेसमेंट, रीडिंग LED लाइट, और यहाँ पर भी है एक LED लाइट प्लेसमेंट। पीछे मिलेंगे सीट पॉकेट्स, और यहाँ पर है AC वेंट्स। यहाँ पर है 12 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ कुछ प्लास्टिक से ट्रीटमेंट किया गया है, यहाँ बीच में काफ़ी बड़ा हम्प मिलेगा टी रॉक में। चलिए ड्राइवर डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर हमें मिलेंगे स्पीकर्स डोर की लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर है बॉटल होल्डर, विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पर है ORVM कंट्रोल्स, यहाँ पर है डोर लॉक एंड अनलॉक करने का बटन। यहाँ साइड में है टायर इन्फ्लेशन इंफॉर्मेशन, हीटेड फ्रंट सीट्स है लंबर सपोर्ट के साथ में, और यह है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप स्टीयरिंग व्हील, ये है पेडल्स, और यह है बोनट खोलने का लेवर। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं टी रॉक की। यहाँ पर साइड में मिलेंगे आपको आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है ये, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी इसमें हमें। यहाँ पर अंदर USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसे ये स्लाइड होते हैं आर्मरेस्ट। यहाँ पर है 20 कप होल्डर, ये है ऑटो होल्ड का बटन और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और ये है 7-speed डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स, DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और ये है 2-zone क्लाइमेट ट्रॉनिक AC,
ऊपर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है। अभी हम देखेंगे वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड, वैनिटी मिरर लाइट प्लेसमेंट के साथ में, और यह है ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट और लाइट प्लेसमेंट के साथ में, और यह है कॉम्पोजिशन मीडिया इंफोटेनमेंट। सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, एफएम और रेडियो। यह है ग्लव बॉक्स लेफ्ट में, ग्लव बॉक्स में हमें मिलेंगे टायर इन्फ्लेटर वॉल्सवैगन की तरफ से, एमरजेंसी में काम आएंगे ये टायर इन्फ्लेटर्स। और यहाँ पर है एसडी और डीवीडी कार्ड के पोर्ट्स, एसडी डीवीडी और सीडी के पोर्ट्स हैं यहाँ पर। ये है फ्रंट एसी वेंट्स, यहाँ पर है दो रीडिंग लाइट्स, यहाँ पर है दो रीडिंग लाइट्स, और ये है एसओएस का बटन इमरजेंसी के लिए, और ये है सर्विस वाला बटन। ये है पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स, और ये है लेदर वैड मल्टी फंक्शन लेदर स्टेयरिंग व्हील। लेफ्ट में है वॉल्यूम और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, राइट में है वॉइस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर है पैडल शिफ्टर, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स है, यहाँ पर है लाइट कंट्रोल्स लेफ्ट में, और ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा गियर शिफ्ट, इंडिकेटर, आरपीएम, स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर और कई सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मिलेंगे हमें मैनुअल सीट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट नहीं है इस कार में, हमें मैनुअली से यूज़ करना पड़ेगा। चलिए बोनेट का लेवर खोल कर देखते हैं। ये है 1500 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर डीओ एचसी टीएसआई पेट्रोल इंजन, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी एसीटी के साथ, 148 हॉर्स पावर है, 250 Nm टॉर्क, 0-100 की स्पीड पकड़ेगी 8.4 सेकंड में, 204 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है, और 17 का एवरेज मिलेगा 59 लीटर के फ्यूल टैंक से। टीएसआई का फुल फॉर्म टर्बोचार्ज सैटिस्फाइड इंजेक्शन जो आपको देगा बढ़िया एवरेज और ड्राइविंग। 1500 सीसी टीएसआई ईवो पेट्रोल इंजन है ये। हम इसी चैनल पर और कई सारे रिव्यू, व्लॉग एंड टेक वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं हमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।